श्रीनगर के जल निगम कार्यालय में हंगामा हो गया। यहां निगम के एक ठेकेदार और निगम के अधिशासी अभियंता के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। अधिशासी अभियंता ने सुशील जोशी नाम के ठेकेदार को कमरे में ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। हालांकि पुलिस को बुलाने के बाद मामला कुछ शांत हुआ। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वहीं ठेकेदार सुशील जोशी ने बताया कि उसने पावो ब्लॉक में निगम की योजना में टैंक बनाने का कार्य किया था। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। करीबन 6 महीने से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा पेमेंट करें, लेकिन इन्होंने जो है हर बार जो है टलाया कि हम नहीं करेंगे पेमेंट किसी भी कीमत में, नहीं करने की, तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। तो मैं पेमेंट के लिए आया था, इन्होंने फिर कमरा बंद कर दिया। कमरा बंद करने के बाद 1 घंटे मैं बिता रहा। अब इन्होंने थाने में फ़ोन किया तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं रुका। इन्होंने एक पंप के अगेंस्ट मेरे एडवांस पेमेंट किया था, वो पंप 6 महीने पहले लग चुका है, उसका पैसा मांग रहा हूँ मैं। सुनील जोशी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, ये हमारे पास बिडोली सोलर पंपिंग में काम कर रहे थे और इनका जो है 22,88,000 का एक बॉन्ड सोलर पंपिंग का, उसमें 150 मीटर हाइट तक इनको पानी पहुंचाना था। इन्होंने कुछ काम किया उसमें, उसके बाद जब सोलर पंप इंस्टॉल करना था तो उसके लिए ये मानक के अनुसार पंप इन्होंने नहीं लगाया।